भगवान के भी भगवान है, आदिश्वर जगेश्वर शिव मुनि जी को जय जीव जनाता हूँ। उसके बाद जितने भी मंचासीन महान पवित्र आत्माओं को जय जीव जनाता हूँ। उसके बाद मेरे सामने उपस्थित सभी मुनि मुनिमती मुनिरागी जो भी आत्मजिज्ञासु सबको मेरा अंतर सह जय जी जनाता। हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं किसके लिए? हमारे को पता नहीं हम क्यों हैं, क्या है, इसके लिए हम यहाँ पे आया हैं, यहाँ पे आए हैं। हमारे को हम क्या है उसका ज्ञान जानने के लिए मुनि समाज को आए हैं। लेकिन ये मन में क्वेश्चन पूछिए, हम क्या हमारे को मालूम हुआ या नहीं? सिमन ने बहुत सरल भाषा में बताए, कोई कष्ट नहीं है, बहुत इजी है। योग बहुत सरल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सरल है। सिमनी दो वार्ड में उसको ये कर दिए, बहुत इतना हम क्या है वो सुभावना बता दिए। हम है अमर, हम है अमर बोले तो मुँह नीचे अमर हुए। सिमनी कितना सुंदर बात बोले, कोई भी नहीं बोल सकता। हम बोले तो बहुवचन, यहाँ पे जो भी बैठे हैं सब है अमर। आपको कितना खुश लगेगा जब आपको पता चल जाएगा आप सब अमर हैं। खाली अमर नहीं, अमर के साथ निरोग है। जब आपको सबको पता चल जाएगा हम अमर है, उसके साथ भी निरोग है। खाली निरोग नहीं, उसके बाद क्या बोले, सर्वशक्तिमान है। हम सब, हम मैं अकेला नहीं, हम सब। सिमन ने इसके पहले लगा दिए हम सर्वशक्तिमान है, सुंदर युवा बलवान है। अब ज्ञान अपना हो गया, बस रोग दुख सब दूर हो गया। जेते बड़े मोटे ओडिया कोई दोची आप बुझीपरिवे जी, जेते बड़े निजर ज्ञान निजे होते बड़े आपण रोग दुख सब दूर हो। जब खुद का ज्ञान खुद को हो जाएगा तब रोग दुख सब दूर हो जाएगा। लेकिन इसके पहले आप लोग को बहुत महात्मा पवित्र आत्माएं बहुत आत्मज्ञान आपको कहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बोल के मेरा वाणी को विश्राम दूंगा। मैं जो बात बोलूँगा, एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है मेडिकल में, उसको घर को क्यों लेकर आते हैं? ध्यान से सुनिए, जो भी कोई बच्चा मेडिकल में पैदा होता है उसको घर को क्यों लेकर आते हैं, किसके लिए, क्या है उसमें? आप सब बोलेंगे हमारा बेटा है बेटी है, लेकिन कोई कोई बच्चा को घर को भी नहीं लेकर आते, वो स्मशान को लेके जाते हैं। वो बच्चा में क्या है? कोई बोलेगा हमारा अधिकार है, हमारा बेटा है, हमारा पुत्र है, हमारा पुत्र है। लेकिन आप क्यों उसको घर के लेकर आते हैं, उसका मीनिंग जब आपको जान जाएगा, वो आप घर क्यों लेकर आते हैं मैं बताता हूँ आपको। उसमें प्राण चल रहा है, श्वास चल रहा है। वो सांस जब पहला सांस लेता है वो उसको जीवन बोलते हैं। जो जीवन बोलते हैं वो पहला सांस को जीवन बोलते हैं। बाद में क्या होता है, इस संसार में वो आता है, संसार में जीता है, और लास्ट जो सांस लेता है उसको आप मृत्यु बोलते हैं। लेकिन मृत्यु वो लास्ट श्वास के बाद क्या किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, वो आपको पता नहीं। उसके पहला सांस के पहले क्या कर रहा था उसको हम ज्ञान मालूम नहीं। वो ज्ञान जानने के लिए हमारे को मुनि समाज में आए हैं। शिव मुनि जी इतना सारे ग्रंथ लिखे हैं, आप जो भी ग्रंथ पढ़ेंगे ज्ञान से भरा हुआ, आत्मज्ञान से भरा हुआ, कौन से भी पुस्तक ले लीजिए उनका, कौन से भी आत्मबल मनोबल इच्छा शक्ति जो कोई भी एक भी पुस्तक उठाइए, उसमें प्योर आत्मज्ञान, प्योर आत्मज्ञान भरा हुआ है। और बहुत लोग बोलते हैं मुनि समाज तो बहुत अच्छा है,
उनका ज्ञान भी बहुत अच्छा है, लेकिन इन लोग भगवान को नहीं मानते। मैं एक उदाहरण दूंगा, खाली मुनि समाज नहीं, हमारा भारतवर्ष में हनुमान का भक्त बहुत रहेंगे, लेकिन हनुमान चालीसा में क्या लिखा हुआ पता है आपको? जब ये ज्ञान पता चल जाएगा, आप बहुत गर्व के साथ मुनि समाज को बहुत गर्व के साथ मानेंगे। मुनि हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? जो हनुमान का भक्त होएगा वो क्या होएगा? और देवता चित्त न धराय, हनुमान चालीसा रे गोटे वार्ड में देखुची सेठ लिखा है जी, और देवता चित्त न धराय। जो भगवान को पूजा करना तो दूसरी की बात है, जो भगवान को माइंड में नहीं रखता वो हनुमान का भक्त है, वो सर्व सुख हो पाएगा। वो हनुमान कौन है? राम द्वारे तुम रखवाले, ये शरीर राम है, रोम रोम में रम रहा है राम में, उसका द्वार है नासिका, इसमें जो जा रहे श्वास, जो प्राण शक्ति, जो जीवन है, जो जा रहा है वो है राम है। राम का द्वार में तुम रखवाले, सही प्राणों सही निश्वासो आपण को शरीर रे जे पर्यंत थिबो से पर्यंत आपण आत्मज्ञान रो अधिकारी नुए, जे कोनसी काम आराम से खुशी से कर सकते हैं। जब ये प्राण निकल जाएगा, एक गरीब आदमी का प्राण, एक महाजन जिसका पैसा ज्यादा है, महाजन आदमी का प्राण जब खत्म हो जाता है वो शरीर छोड़ जाता है, ऐसा नहीं हो सकता गरीब आदमी का प्राण है वो लेके इसमें डाल देंगे, ऐसा नहीं। सबसे इस संसार का सबसे मूल्यवान वस्तु है हमारा श्वास, एक एक श्वास, एक एक प्राण बहुत इंपॉर्टेंट है। उस प्राण को समझिए, उस प्राण को जानिए, उस जीव को जानिए। सब प्रेम, जय जय।